राजस्थान के उदयपुर के पास रुका अतीक अहमद का काफिला। ऋषभ देव इलाके में पेट्रोल पंप पर पुलिस वैन से बाहर निकला अतीक। साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक। माफिया अतीक को सता रहा डर। साबरमती जेल से निकलते वक्त गिड़गिड़ाया अतीक। पुलिस वैन से बोला, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 15 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। एन रविंदर एडीजी पुलिस मुख्यालय बनाए गए। लखनऊ के फरार यजदान बिल्डर पर पुलिस की कार्रवाई। यजदान की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा। डालीबाग अलाया होम बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के मिलने का मामला। पुलिस ने एक और अभियुक्त को किया गिरफ्तार। भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 51 किलोग्राम वर्ग में वियतनाम के खिलाड़ी को 5-0 से हराया। बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ पर शिकंजा। कल सुबह लाया जाएगा प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में होगी पूछताछ। लखनऊ में सीएम योगी ने वेटनरी यूनिट को दिखाई हरी झंडी। एक कॉल पर होगा पशुओं का इलाज। राहुल गांधी पर साधा निशाना का आदेश की निंदा करने वाले कभी सत्याग्रह नहीं कर सकते। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का नामी गिरफ्तार। अतीक का करीबी है जरार अहमद। इसरो के अंतरिक्ष में ऊंची छलांग। 36 सैटेलाइट के साथ सबसे भारी LVM3 रॉकेट को किया लॉन्च। मन की बात का 99वां संस्करण प्रसारित। पीएम मोदी ने अंगदान पर दिया जोर। एटा में 15 साल पुरानी जमीनी प्रकरण में सपा नेता रामेश्वर सिंह पर दर्ज हुआ मुकदमा। नेता के छोटे भाई बड़े बेटे पर मुकदमा दर्ज। 25 मार्च को SSP के आदेश पर केस दर्ज कराया गया। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सीएम योगी पर बोला हमला। उन्होंने कहा, सीएम योगी के कारनामे सभी के सामने। मुख्यमंत्री ने एक साल में क्या किया है जगजाहिर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर BSP सांसद अफजाल अंसारी ने इस मुद्दे पर BJP का समर्थन किया। अंसारी ने कहा कि सजा होते ही संसद सदस्यता खत्म होने का नियम मनमोहन सरकार में आया था। नोएडा में चलाया गया कैंपेन। सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को गुटखा और पान थूकने से रोकने के लिए चलाया गया अभियान।